हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाऊंगा क्योंकि सॉल्ट असाइनमेंट। इस असाइनमेंट में आपको मैं असाइनमेंट के साथ ये भी बताऊंगा कि लास्ट डेट क्या है आपके असाइनमेंट सबमिशन की, और कैसे आपने असाइनमेंट को सबमिट करना है, और कहाँ आपके असाइनमेंट को सबमिट करना है, और साथ में कैसे बेटर प्रेजेंटेशन कर सकते हो आप असाइनमेंट में, और कैसे आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो असाइनमेंट में, वो भी मैं एक ही वीडियो में बताऊंगा। मीन्स एक ही वीडियो में मैं आपको पूरा पूरा मेथड में बताऊंगा कि कैसे आपने बनाना है, कैसे सबमिट करना है, और कहाँ सबमिट करना है, और कैसे आप बेटर प्रेजेंटेशन कर सकते हो असाइनमेंट में। क्योंकि मेनली अगर आप असाइनमेंट में बेटर प्रेजेंटेशन करते हो तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। और साथ में मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हूँ सॉल्ट असाइनमेंट की सेशन के लिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंसर्ट कर दिया है, और साथ में जो जो इस असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर है उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंसर्ट कर दिया है। तो वहां से जाके आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हो, और साथ में मेरी प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हो जो भी मैंने असाइनमेंट अपलोड की है सेशन के लिए, ताकि अगर आप कोई असाइनमेंट करना चाहते हो, अगर प्लेलिस्ट में अपलोड की हुई है, मैंने प्लेलिस्ट में गिवन होगी तो आप वहां से जाके कर सकते हो। तो हमेशा जब भी आप यूट्यूब पे कोई स्टडी वीडियो देखते हो तो हमेशा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक किया करो, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेटी टर्म्स गिवन होती है। जैसे मान लो आपकी किसी यूट्यूबर ने अगर मान लो 3 पार्ट्स में कोई असाइनमेंट बनाई है या कोई वीडियो बनाई है स्टडी वीडियो, तो अगर मान लो वो थर्ड पार्ट को बता रहा, आप थर्ड पार्ट देख रहे हो, तो बाकी के 2 पार्ट का लिंक हमेशा यूट्यूबर ने डिसीजन बॉक्स में इंसर्ट किया होता है। तो हर एक असाइनमेंट में हमेशा, या कोई वीडियो भी स्टडी वीडियो आप देखते हो तो हमेशा डिसीजन बॉक्स चेक किया करो। और कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इग्नू में तो किसी से भी इंक्वायरी मत करो, क्योंकि कोई गलत आपको कुछ भी बता सकता है, कोई बोलेगा ऐसा करो वैसा करो। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी इश्यू है इग्नू से रिलेटेड, तो डायरेक्ट आपके स्टडी सेंटर से कॉन्टेक्ट करो या फिर आपके रीजनल सेंटर से कॉन्टेक्ट करो, क्योंकि सबसे बेटर गाइडलाइंस आपको आपका स्टडी सेंटर ही दे सकता है या फिर आपका रीजनल सेंटर दे सकता है। किसी और से आप पूछोगे वो आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है, फिर उसको भी नॉलेज नहीं होगी, वो कुछ ऐसे बता देगा कि ये है करो वो करो, लेकिन फॉर योर बेटर गाइडलाइंस हमेशा आपके स्टडी सेंटर से कॉन्टेक्ट करो। किसी से मत पूछो, डायरेक्ट आपके स्टडी सेंटर से कॉन्टेक्ट करो, क्योंकि वही आपको सबसे अच्छी गाइडलाइंस दे सकता है। तो अगर आपको मेरी असाइनमेंट अच्छी लगे तो मेरे असाइनमेंट को लाइक कीजिए। मैंने टारगेट रखा 500 लाइक्स का, तो मेरे 500 लाइक्स के टारगेट को पूरा करने में हेल्प कीजिए। और जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंसर्ट किया प्लेलिस्ट का, उसको अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिए, ताकि कोई और स्टूडेंट्स भी, इग्नू से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपने असाइनमेंट टाइम से बना सके और टाइम से सबमिट कर सके। आप भी अपने असाइनमेंट टाइम से बनाना और टाइम से सबमिट करना। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कोई इग्नू की असाइनमेंट अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और अगर आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड असाइनमेंट होगी तो आप टाइम से बना सकते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है कि मेरी असाइनमेंट आपको कैसी लगी है, और रेटिंग करें मेरी इग्नू असाइनमेंट की 10 पॉइंटर स्केल में, कि आपको लगता है 10 पॉइंटर में से किस लेवल की असाइनमेंट में। और कोई भी सजेशन हो असाइनमेंट या वीडियो इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड, तो वो भी आपने मुझे बताना है, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं नेक्स्ट सेशन में और अच्छी असाइनमेंट बना सकूं और आपको और अच्छी असाइनमेंट प्रोवाइड कर सकूं। और जब भी आपको असाइनमेंट वापस मिले सबमिशन के बाद, तो आपने मुझे जरूर जरूर बताना कि आपको 100 में से कितने मार्क्स मिले, 100 में से कितने मार्क्स मिले, ताकि नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट ईयर में मैं और इम्प्रूवमेंट कर सकूँ और आप और अच्छा स्कोर कर सकूँ। और कमेंट सेक्शन में जरूर आपने ये भी बताना है कि अगर कहीं पर भी एरर होगा असाइनमेंट में तो क्या एरर है और क्या उसकी करेक्शन है, तो वो भी आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, ताकि बाकी के इग्नू से रिलेटेड स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन चेक करके उस एरर को करेक्ट कर सके। तो एरर जरूर बताओ कि क्या एरर है और क्या उसकी करेक्शन है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करो। और अगर असाइनमेंट अच्छी लगे तो मेरे असाइनमेंट को लाइक कीजिए। तो ये है आपका क्वेश्चन पेपर आपके असाइनमेंट का, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंसर्ट कर दिया है, तो वहां से जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो सिर्फ आपने लास्ट पेज ही प्रिंट आउट करना है,
पूरी की पूरी असाइनमेंट प्रिंट आउट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको लास्ट पेज ही प्रिंट आउट करना होता है, और जहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन होंगे आपके सारे सारे क्वेश्चन, सिर्फ उसी पेज को प्रिंट आउट करो और उसको असाइनमेंट से पहले अटैच करो, ये आपका कंपल्सरी अटैच करना। और सबसे पहले जब भी आप कोई भी असाइनमेंट मिलती है आपको, अनसॉल्वड असाइनमेंट इग्नू से मिलती है या कहीं और से आप ढूंढते हो, तो सबसे पहले आपने हमेशा चेक करना आपका सब्जेक्ट कोड, हमेशा आपका सब्जेक्ट कोड सबसे पहले चेक करो। और सेकंड आपने चेक करना है सेशन, क्योंकि अगर आप प्रीवियस सेशन के असाइनमेंट बनाओगे दें तो उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। जिस सेशन के लिए आप असाइनमेंट बनाते हो उस सेशन को जरूर चेक करो कि वो सेशन के लिए है या नहीं, तो सेशन जरूर चेक करना आपका। और सिर्फ लास्ट पेज ही प्रिंट आउट करना है, पूरी की पूरी असाइनमेंट प्रिंट आउट करने की जरूरत नहीं है। अगर जो लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर वो वर्किंग नहीं करेगा तो आप इग्नू की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और आपकी जो असाइनमेंट है वो 100 मार्क्स की होती है, 100 नंबर की है, तो जनरली इसमें 3 पार्ट्स होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट शब्दों में डिफरेंट वर्ड्स में आपको हर एक पार्ट को करना होता है। अगर मान लो कहीं पर आपको वर्ड्स नहीं लिखे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग टू जितने मार्क्स का उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। जैसे मान लो अगर आपको 2 मार्क्स का है कोई क्वेश्चन है उसमें लिखा नहीं कितने वर्ड्स में करो, तो 2 मार्क्स के लिए आप जल्दी 50 वर्ड्स लिखो, वैसे ही अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट मैं आपको ये बताऊंगा कि आपकी सबमिशन डेट है और कैसे आपने सबमिट करना और कहाँ आपने सबमिट करना आपकी असाइनमेंट को। तो जो स्टूडेंट ने एनरोल किया है इस साल जुलाई में उनकी लास्ट डेट है अप्रैल नेक्स्ट ईयर में, और जो स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर जनवरी में एडमिशन लेंगे उनकी लास्ट डेट है अक्टूबर नेक्स्ट ईयर में। तो ये डेट्स कई बार चेंज हो जाती है, जैसे अप्रैल वाली डेट आपकी मार्च हो जाएगी, अक्टूबर वाली डेट जाके सेप्टेम्बर हो जाएगी। तो ऐसा मत करो कि आप लास्ट डेट पर ही सबमिशन करो आपकी असाइनमेंट को, इसको ट्राई करो। जुलाई वाला स्टूडेंट इसको अप्रैल में न जाके जनवरी फरवरी नेक्स्ट ईयर में सबमिट कर देना, और वैसे जनवरी वाला स्टूडेंट्स इसको अक्टूबर में न जाके जून जुलाई में सबमिट कर देना। अब टाइम से आप सबमिट कर दोगे इसका फायदा क्या रहेगा आपको, अगर आप टाइम से सबमिट करोगे तो आपको टाइम से वापस मिल जाएगी। और मेनली जो इग्नू में आपके जो क्वेश्चन पेपर होते हैं असाइनमेंट के, यानी जो क्वेश्चन आते हैं, चांसेस होते हैं कि उनमें से ही क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में आए, तो आप टाइम से असाइनमेंट को सबमिट करना ताकि आपके टाइम से वापस ले लो। तो एक तरह के जो आपकी क्वेश्चंस है असाइनमेंट में अवेलेबल, तो एक तरह के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिनके चांसेस मैक्सिमम होते हैं आपकी फाइनल एग्जाम में आने के। तो जो भी करंट असाइनमेंट है या पिछले साल के असाइनमेंट भी देख लेना, और साथ में अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलते हैं तो उन सारे क्वेश्चन को पढ़ लो, क्योंकि चांसेस आपके एग्जाम में उनमें से क्वेश्चन आएंगे। अगर मान लो किसी असाइनमेंट में क्वेश्चन में ऑप्शन है, जैसे मान लो 2 में से आपको एक ही करना है, तो असाइनमेंट में तो आपको एक ही करना है, लेकिन फाइनल एग्जाम के लिए आपको दोनों क्वेश्चन पढ़ने हैं। हो सकता है जो आपने क्वेश्चन नहीं किया वो वाला एग्जाम में आए, तो ऑप्शन वाले सारे के सारे जो भी क्वेश्चन अवेलेबल होते हैं, चाहे ऑप्शन है चाहे नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम के लिए पढ़ने ही हैं। और कहाँ आपने सबमिट करनी है आपके असाइनमेंट, तो कोऑर्डिनेटर ऑफ द स्टूडेंट स्टडी सेंटर, तो जो भी आपने स्टडी सेंटर सेलेक्ट किए होंगे तो वहां पर स्टडी सेंटर में कोई ना कोई आपके कोऑर्डिनेटर सेलेक्ट होते हैं पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए। जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए डिफरेंट होंगे, बैचलर ऑफ साइंस के लिए डिफरेंट होंगे, बैचलर ऑफ कॉमर्स के लिए डिफरेंट होंगे, जो भी आपका कोर्स है उसके लिए आपके कोऑर्डिनेटर डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तो असाइनमेंट बनाने से पहले आपके कोऑर्डिनेटर या फिर आपने स्टडी सेंटर से पूछना है कि आपने असाइनमेंट किस चीज में बनानी है। जैसे कई जगह बोलते हैं कि आप ब्लू शीट में बनाओ, कई जगह बोलते हैं फाइल में बनाओ, कई जगह बोलते हैं कि नोटबुक में बनाओ, तो वो सारी जानकारी आपने स्टडी सेंटर से पहले ले लेनी है बनाने से पहले, ताकि आप अकॉर्डिंग टू स्टडी सेंटर असाइनमेंट बनाओ और आप अच्छा स्कोर करो। कई जगह स्टडी सेंटर बोलते हैं कि आप कॉमन सब्जेक्ट के असाइनमेंट एक में बना सकते हो। जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ हिंदी का सब्जेक्ट, जैसे मान लो कि हिंदी के 2 सब्जेक्ट हैं, तो अपने स्टडी सेंटर से पूछना है कि हम कॉमन सब्जेक्ट के असाइनमेंट
एक में बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, तो अगर बोलते हैं तो बना सकते हैं, तो एक तरह की सेविंग हो जाएगी आपकी, क्योंकि आपकी जो पर्टिकुलर असाइनमेंट है वो पर्टिकुलर टीचर के पास जाती है। जैसे आपकी हिंदी की असाइनमेंट है तो हिंदी के टीचर के पास जाएगी, इंग्लिश असाइनमेंट तो इंग्लिश की टीचर के पास जाएगी। तो पहले ही जानकारी ले लो किस वे बनानी है, कैसे बनानी है, और एक में बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो जो आपके असाइनमेंट है वो आपकी 30% वेटेजेस की, मीन्स 100 मार्क्स की असाइनमेंट है, तो जो फाइनल रिजल्ट आपका बनेगा उसमें 30% वेटेज आपकी असाइनमेंट की है और 70% वेटेज आपकी फाइनल एग्जाम की है। तो 30% वेटेज बहुत ज़्यादा है आपकी, तो ट्राई करो इसमें 25% से ज़्यादा के स्कोर करने की ट्राई करो, ताकि आपका क्या हो, अगर आप 25% से ऊंचे ऊपर स्कोर करते हो असाइनमेंट में 30% में से, तो आपका पॉइंटर बहुत ही अच्छा बनेगा। तो मेन इंप्रूवमेंट के लिए आपको जो आपका परसेंटेज है या फिर आपको पॉइंटर की इंप्रूवमेंट के लिए असाइनमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप असाइनमेंट में अच्छा स्कोर कर दोगे आपकी फाइनल परसेंटेज, फाइनल पॉइंटर अच्छा बनेगा। और जो आपके असाइनमेंट है वो 100 मार्क्स की है और उसमें मिनिमम 35% मार्क्स पासिंग के लिए चाहिए, 35 नंबर चाहिए। लेकिन आपने कभी भी असाइनमेंट बनाई होगी स्कूल लेवल या कहीं पर भी, अगर आपके 10 मार्क्स की असाइनमेंट है तो आपको 7-8 मार्क्स मिल जाएगा, अगर आपने पूरी असाइनमेंट बना दी है, और अगर और इंप्रूवमेंट कर दिए तो 8-9 मिल सकते हैं। तो मीन्स आपको 70-80 मार्क्स आपको 100 में से मिल जाएंगे अगर आपने असाइनमेंट को पूरा किया है। तो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने असाइनमेंट को इंप्रूवमेंट करनी है, असाइनमेंट में कैसे इंप्रूवमेंट करनी है, मीन्स आपने कैसे 70 को 80 में कन्वर्ट करना और कैसे 80 को 90 में कन्वर्ट करना है, मीन्स आपने इंप्रूवमेंट कैसे करनी है अपने असाइनमेंट में। तो उसके लिए आपके जो भी आपने स्टडी सेंटर सेलेक्ट किए होंगे वो जनरली आपके कोई ना कोई स्टडी इंस्टीट्यूट ही होता है, मेले डिग्री कॉलेज कोई ना कोई इंस्टीट्यूट होगा स्टडी इंस्टीट्यूट, तो आपके आसपास कोई ना कोई आपके फ्रेंड्स या कोई नोन वहां पर रेगुलर कोर्सेज कर रहे होंगे। तो जैसे मान लो आपका हिंदी का सब्जेक्ट है तो आपकी जो असाइनमेंट जाती है वो हिंदी के टीचर के पास जाएगी, तो आपके आसपास जो भी आपके फ्रेंड्स या नोन है जो हिंदी का सब्जेक्ट आपके स्टडी सेंटर में पढ़ रहे होंगे, तो उनसे आपने जानकारी लेनी है कि हिंदी के टीचर किस बेस पे नंबर देते हैं, क्योंकि कई टीचर्स आपको देते हैं नंबर अगर आप लेंथी लोगे उसमें नंबर देंगे, कई टीचर्स ज़्यादा पेजेस भरोगे उसमें नंबर देंगे, कई टीचर्स है प्रॉपर सजेस्ट करके स्केच पेन से लिखोगे उसमें नंबर देंगे। तो वो जानकारी आपने रेगुलर स्टूडेंट से ले लेनी है कि हिंदी के टीचर किस बेस पे नंबर देंगे, क्योंकि आपने हमेशा देखा होगा कहीं पर भी आपने असाइनमेंट बनाते हो अगर आप अकॉर्डिंग टू टीचर हमेशा असाइनमेंट बनाओगे तो आप ऑटोमेटिक अच्छा स्कोर करते हो। तो अकॉर्डिंग टू टीचर असाइनमेंट बनाने के लिए क्या करो, जो भी रेगुलर स्टूडेंट वहां पर पढ़ रहे होंगे उनसे जानकारी ले लो कि टीचर किस बेस पर नंबर देंगे। ऐसा ही आपने हर एक असाइनमेंट के लिए करना है, जैसे हम लोग हिंदी इंग्लिश के असाइनमेंट तो इंग्लिश के स्टूडेंट से पूछना है, क्योंकि जो इंग्लिश का स्टूडेंट पढ़ रहा होगा उसको बेटर गाइडेंस दे सकता है। तो कोई भी आपका सब्जेक्ट होता है तो जो भी वहां पर रेगुलर स्टूडेंट उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे होंगे जिसके आप असाइनमेंट बना रहे हो, तो उनसे जानकारी पर्टिकुलर टीचर की ले लो, ताकि आप अकॉर्डिंग टू टीचर असाइनमेंट बनाओ और आप अच्छा स्कोर करो। मेन टारगेट हमारा असाइनमेंट का है कि हमारे को अच्छा स्कोर करना है, टारगेट रख लो कि 90 से ऊपर मार्क्स गेन करने हैं। अगर आप 95 से ऊपर स्कोर करोगे तो आपका पॉइंटर बहुत ही अच्छा बनेगा। तो इम्प्रूवमेंट के लिए आप अपने अकॉर्डिंग भी कोई इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, इस तरह की बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है कि आप इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हो, उनको आप देख सकते हो। तो मेन टारगेट असाइनमेंट को इम्प्रूव करना है और बेटर प्रेजेंटेशन हमेशा रखनी है असाइनमेंट में, तो आप वीडियोज भी देख सकते हो, यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोज है, या फिर अपने अकॉर्डिंग भी आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। आपने भी कभी असाइनमेंट बनाई होगी, आपको पता है कि कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो मेन टारगेट है 95 मार्क्स गेन करना असाइनमेंट में। और कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इग्नू में, जैसे मैंने बताया था कि, तो हमेशा डायरेक्ट आपके स्टडी सेंटर से पूछो, किसी और से पूछोगे कुछ बोलेगा वो एक्यूरेट हो भी सकता नहीं भी हो सकता है। तो बेटर है कि बेटर गाइडलाइंस के लिए कोई भी इशू होता है किसी टॉपिक से रिलेटेड, असाइनमेंट से रिलेटेड, एग्जामिनेशन से रिलेटेड, सब्जेक्ट रिलेटेड कोई भी इशू हमको होता है तो डायरेक्ट आपके स्टडी सेंटर से आप कॉन्टैक्ट करो, क्योंकि सबसे बेटर गाइडलाइंस आपको स्टडी सेंटर ही दे सकता है, या फिर अपने रीजनल सेंटर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो हमेशा किसी भी इश्यू से रिलेटेड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करो आपके स्टडी सेंटर से। तो इस तरह का फ्रंट पेज बना सकते हो आप, इसमें मैंने आपका एनरोलमेंट नंबर डाला है, आपका नेम, आपका एड्रेस, प्रोग्राम कोड, रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर, स्टडी सेंटर कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल। इसमें ट्राई करो मोबाइल नंबर और ईमेल वही रजिस्टर इंसर्ट करना जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम इग्नू में इंसर्ट किया है। आप इस तरह की फाइल आप बना सकते हो, वर्ड फाइल में बना सकते हो या किसी और फॉर्मेट में,
या फिर इस तरह की बहुत सारी इमेजेस भी आपको नेट पे मिल जाती है, पीडीएफ फॉर्मेट में, वर्ड फॉर्मेट में, या फिर इस तरह की इमेजेस भी मिल जाती है, तो वहाँ से आप दे सकते हो। लेकिन उनमें और इसमें क्या डिफरेंस रहेगा, अब इसमें आपने देखा जो मैंने बनाया है, इसमें ना ही मैंने सब्जेक्ट कोड डाला है, ना ही सेमेस्टर डाला है, ना ही आपका ईयर है, ना ही सब्जेक्ट नेम है। अब इसकी एडवांटेज क्या रहेगी, अब जो भी मैंने इसमें डिटेल डाली है, ये सारी डिटेल आपकी कॉमन रहेगी हर सेमेस्टर में, हर ईयर में और हर सब्जेक्ट के लिए। तो मीन्स अगर आपने एक इस तरह का पीडीएफ फ्रंट पेज बना दिया है और इसका प्रिंट आउट ले लिया आपने, तो सेम प्रिंट आउट के आप बहुत सारे फोटोशेप करा सकते हो। तो सेम पेजेस आप बहुत सारे किसी भी सेमेस्टर में यूज कर सकते हो, किसी भी ईयर में यूज कर सकते हो, किसी भी सब्जेक्ट के लिए यूज कर सकते हो। मीन्स आपकी एक तरह की सेविंग हो जाएगी। अगर मान लो आप इसमें सब्जेक्ट कोड आपने डाल दिया, सब्जेक्ट नेम डाल दिया, तो अगर आप एक बार प्रिंट आउट ले लोगे तो वो प्रिंट आउट आप सिर्फ उसी सब्जेक्ट में यूज करोगे। और वैसे अगर आप मान लो इसमें सेमेस्टर डाल दोगे या ईयर डाल दोगे, तो सेम पेज आप यूज तो कर लोगे तीन चार सब्जेक्ट के लिए, लेकिन आप उसको उसी सेमेस्टर में यूज करोगे, उसी ईयर में यूज करोगे, मीन्स नेक्स्ट यूज या नेक्स्ट सेमेस्टर में यूज नहीं कर पाओगे। तो ट्राई करो फ्रंट पेज में ऐसी कोई भी डिटेल मत डालो जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड हो, या फिर पर्टिकुलर सेमेस्टर से रिलेटेड हो। तो ट्राई करो जो डिटेल मैंने बताई है इनको ही आपने अपने फ्रंट पेज में डालना है, ताकि एक तरह की सेविंग आपकी हो जाए। और जब आपका असाइनमेंट वापस करोगे, वापस मिलेगी सबमिशन के बाद, तो आप अगर फ्रंट पेज में कुछ भी मार्क नहीं किया है, तो वो फ्रंट पेज आप नेक्स्ट सेमेस्टर में, नेक्स्ट ईयर में, किसी और सेमेस्टर में भी, किसी और सब्जेक्ट के लिए यूज कर सकते हो। तो फॉर सेविंग फ्रंट पेज में ऐसी डिटेल मत इंसर्ट करो। और तो फ्रंट पेज आपने पहले अटैच करना है, और उसके बाद आपने अटैच करना आपका जो आपका आइडेंटिटी कार्ड आपको इग्नू से मिला है, उसका प्रिंट आउट ले लो और उसकी बहुत सारे फोटोशेप करा लो। ऐसे आइडेंटिटी कार्ड अटैच करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन फॉर बेटर प्रेजेंटेशन आपको आइडेंटिटी कार्ड अटैच करना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो आपने फ्रंट पेज में कोई कोई एरर दिया है आपकी डिटेल में, तो जो भी आपका स्टडी सेंटर या इग्नू वाले हैं, तो वहां से आपकी करेक्शन कर सकते हैं आइडेंटिटी कार्ड से, क्योंकि वहां पर आपकी डिटेल यूनिक है। और तो थर्ड आपने अटैच करना आपका क्वेश्चन पेपर, जो मैंने बताया था कि आपके क्वेश्चन असाइनमेंट क्वेश्चन बुकलेट में लास्ट पेज होता है जनरली, या मैक्सिमम दो पेज है, उसका प्रिंट आउट ले लो सिर्फ उसी पेज का। और फोर्थ आपने अटैच करना आपकी असाइनमेंट। तो पहले आपका फ्रंट पेज, फिर आपका आईडी कार्ड, फिर आपका क्वेश्चन पेपर, फिर आपकी असाइनमेंट। इसके साथ साथ आप एक और चीज अटैच कर सकते हो, आपके सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट कोड और ईयर के लिए एक पेज ले लेना, उसमें हैंड रिटन लिख दो, जो मैंने बताया था कि फ्रंट पेज में मत डालो, उसके लिए एक सेपरेट पेज लगा दो, उसमें हैंड रिटन लिख दो, उसको अटैच करना क्वेश्चन पेपर से पहले अपने अकॉर्डिंग। तो अगर मान लो स्टडी सेंटर बोलता है कि आप कॉमन सब्जेक्ट की असाइनमेंट एक ही फाइल या एक ही नोट में बना सकते हो, तो उस केस में क्या होगा, आपका पहले आपका फ्रंट पेज, फिर आपका आईडी कार्ड, फिर आपका क्वेश्चन पेपर, फिर पहली असाइनमेंट, फिर दूसरी असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर, फिर असाइनमेंट। तो फ्रंट पेज और आईडी कार्ड आपका एक ही बार यूज होगा, और जब आपको असाइनमेंट वापस मिलेगी किसी भी ईयर में, तो अगर आपके फ्रंट पेज और आईडी कार्ड में कुछ नहीं लिखा होगा, तो सेम फ्रंट पेज, सेम आईडी कार्ड आप किसी और ईयर में, किसी और सेमेस्टर में, किसी और सब्जेक्ट के लिए यूज कर सकते हो। तो सेविंग करने के लिए ट्राई करो फ्रंट पेज में ऐसी कोई डिटेल मत डालो जो आपकी सेम सब्जेक्ट सेम ईयर में यूज होगी। और ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप इसको टाइप करके बना सकते हो, चाहे तो आप इसको हैंड रिटन भी बना सकते हो, प्रॉपर स्केच पेन से जा के बना सकते हो। ऐसा कोई फास्ट रूल नहीं है कि आपको इसको टाइप करके बनाना है, इसको चाहे तो आप हैंड रिटन भी बना सकते हो स्केच पेन से जा। तो अपने अकॉर्डिंग कोई भी इंप्रूवमेंट करो आप, वो बेटर रहेगा आपके लिए। तो चाहे हैंड रिटन बनाओ चाहे टाइप करके, वो बेटर रहेगा। तो मेन आपको बेटर प्रेजेंटेशन करनी है, तो किसी भी तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस ला सकते हो। तो यहां से आपका असाइनमेंट स्टार्ट हो रही है। तो जो भी आपका, जैसे जहां असाइनमेंट चलनी आपकी तीन पार्ट्स की होती है, तो जो भी आपका पार्ट चल रहा है और जो भी आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन और जो आपका आंसर है और जो हेडलाइन बोल्ड पोर्शन है, ट्राई करो कि उनको स्केच पेन या ब्लैक पेन से लिखो, क्योंकि एक बेटर प्रेजेंटेशन के लिए आपको देखा होगा आपने कभी भी स्कूल लेवल या कहीं पर भी, अगर आप प्रॉपर सजा के लिखने के लिए लिखते हो असाइनमेंट को प्रॉपर स्केच पेन का यूज करके, तो आपकी बेटर प्रेजेंटेशन रहती है असाइनमेंट में और आप बेटर स्कोर करते हो। तो हाइडलाइटेड पोर्शन जो और जो भी आपका भाग चला है, क्वेश्चन है, आंसर, बोल्टेड पोर्शन, उनको स्केच पेन या ब्लैक पेन से लिखो। और ट्राई करना कि जो आप स्केच पेन ब्लैक पेन यूज करोगे वो आप सेम ही यूज करना पूरी की पूरी असाइनमेंट में,
और वैसे जो आप लूपन या जेल पेन यूज़ करोगे बाकी लिखने के लिए उसको भी पूरी पूरी असाइनमेंट में सेम ही करना। अगर आप बीच में कभी भी चेंज करते हो स्केच पेन या ब्लैक पेन या फिर जो आपका पेन चेंज करते हो तो एक तरह का बैड इफेक्ट रहता है आपके असाइनमेंट में, असाइनमेंट का आपके बैड इफेक्ट रहेगा टीचर के ऊपर जो असाइनमेंट चेक करेंगे। तो फॉर बेटर इफेक्ट आपको बेटर असाइनमेंट प्रेजेंटेशन के लिए क्या करो, आप सेम ही पेन यूज़ करना, सेम स्केच यूज़ करना पूरी की पूरी असाइनमेंट में। और इसका ध्यान रखो कि इसको आप फाइनल एग्जाम में भी आप जब करोगे तो वहां पर भी इसका ध्यान रखना। और ऐसा मत करना कि आप पहले स्केच यूज़ करो फिर ब्लैक पेन यूज़ कर रहे हो बोल्ड पोस्ट हेडलाइंस के लिए। तो अगर स्केच पेन यूज़ करोगे तो सेम ही स्केच यूज़ करना, ब्लैक पेन यूज़ करोगे तो सेम ही ब्लैक पेन। और इस असाइनमेंट में जो भी मैंने क्वेश्चन किया है, जैसे मान लो आपका कोई क्वेश्चन अगर 500 वर्ड्स का आपको करना है तो मैंने इसमें 500 से ज़्यादा वर्ड्स का किया है, हो सकता है मैंने 700-800 वर्ड्स का किया है। ऐसा मैंने इसलिए किया है ताकि आप करो क्या करो, पहले हर एक क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ो, हर एक क्वेश्चन आपने पहले पूरा पढ़ना है, उसका जो जो क्वेश्चन मैं आपको मेन पॉइंट्स लगते हैं क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से उनको ही आपने असाइनमेंट में लिखना है। पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, जो आपको क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लिखे लगेंगे सिर्फ आपने उनको ही लिखना है। एक्स्ट्रा कंटेंट को हटा दो क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा कंटेंट है, जो आपको इंपॉर्टेंट लगेंगे क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से उनको ही आपने अपने असाइनमेंट में लिखना है। तो हर एक क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ो और फिर एक्स्ट्रा कंटेंट को हटा दो और जो जो मेन पॉइंट्स आपको है उनको लिखो। इसका फायदा क्या रहेगा, एक तो आपकी असाइनमेंट भी यहाँ से अच्छी बनेगी, सेकंड आपको असाइनमेंट की नॉलेज भी होगी। और मैंने जैसे बताया था कि फाइनल एग्जाम में चांसेस है कि जो आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन हैं वही फाइनल एग्जाम में आएंगे, तो एक तरह की आपके असाइनमेंट नोट्स ही है। तो जो आपको असाइनमेंट वापस मिलेगी तो वहां से आप जब पढ़ोगे तो आप इजिली उसको रिमेंबर कर सकते हो फाइनल एग्जाम के लिए। तो हर एक क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ो और मेन मेन पॉइंट्स आपने लिखना है, एक्स्ट्रा कंटेंट हटा दो, जितने वर्ड्स में बोला उतने उसमें कंपाइल करो ताकि आपकी असाइनमेंट भी अच्छी बने, आपको असाइनमेंट की नॉलेज भी हो और यहीं से आपकी फाइनल एग्जाम की तैयारी भी हो जाए। तो मैं इसमें स्लोली मूव कराऊंगा ताकि आपको टाइम मिल सके, अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगेगी तो आप पॉज करके भी लिख सकते हो, लेकिन मैं इसमें स्लोली मूव कराऊंगा, अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो आप पॉज करके लिख देना। और कोई भी एरर हो कहीं पर तो उसी करेक्शन जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, और क्या उसकी कहाँ क्या एरर है क्या करेक्शन है वो भी करना, तो अपने अकॉर्डिंग आप करेक्शन ठीक कर देना कोई भी एरर होगा।
तो यहाँ पर आपकी असाइनमेंट कंप्लीट होती है। तो अगर आपको मेरी असाइनमेंट अच्छी लगे तो मेरी असाइनमेंट को लाइक कीजिए। मैंने टारगेट रखा 500 लाइक्स का, तो मेरे 500 लाइक्स के टारगेट को पूरा करने में हेल्प कीजिए। और जो भी आपके स्टडी ग्रुप्स है वहाँ पर असाइनमेंट की प्लेलिस्ट को शेयर कीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंसर्ट कर दिया जैसे मैंने बताया है, ताकि कोई और भी इस असाइनमेंट को टाइम से बना सके और टाइम से सबमिट कर सके, और मेरी बाकी की असाइनमेंट भी वहाँ से जाके देख सकता है, और अपनी असाइनमेंट अगर कोई बनानी होगी उन्होंने तो टाइम से बना सके और टाइम से सबमिट कर सके। आप भी असाइनमेंट को टाइम से बनाना और टाइम से सबमिट करना। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कोई भी ग्रुप असाइनमेंट अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो बेटर जल्दी नोटिफिकेशन के लिए क्या करो, बेल आइकन को प्रेस करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है कि मेरी असाइनमेंट आपको कैसी लग रही है, और कोई भी एरर हो तो उसकी करेक्शन भी साथ में बताना, एरर क्या है और करेक्शन भी क्या है, ताकि बाकी के स्टूडेंट्स भी कमेंट सेक्शन चेक करके एरर को करेक्ट कर सके। और रेटिंग करनी मेरी ग्रुप असाइनमेंट की 10 पॉइंटर स्केल में, कि आपको लगता है 10 पॉइंटर्स में से किस लेवल की है, और कोई भी सजेशन और असाइनमेंट या वीडियो इंप्रूवमेंट रिलेटेड तो वो भी आपने मुझे बताना है, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं और बेटर असाइनमेंट बना सकूँ और इम्प्रूवमेंट कर सकूँ और आपको और अच्छी असाइनमेंट प्रोवाइड कर सकूँ। और जब आपको असाइनमेंट वापस मिले के चेक होने के बाद तो आपने मुझे जरूर बताना कि आपको 100 में से कितने मार्क्स मिले हैं, 100 में से कितने मार्क्स मिले हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं और नेक्स्ट सेशन में आपको मैं और अच्छी असाइनमेंट दे सकूँ और आप और अच्छा स्कोर कर सकूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई असाइनमेंट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट असाइनमेंट में। बाय बाय।